एक महिला के चूल्हे से एक पत्थर की शिला निकलती है और उस शिला को महिला सिलबट्टे से दबा देती है। ये क्रम एक दिन, दो दिन, तीन दिन निरंतर यूं ही चलता रहता है। तभी उस नगर के राजा को भगवान भोलेनाथ स्वप्न देते हैं कि हम तुम्हारे नगर में आना चाहते हैं, लेकिन वो महिला हमें सिलबट्टे से दबा देती है। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। आज हम हैं सतना से करीब 35 किलोमीटर दूर बिरसिंहपुर के गैवीनाथ मंदिर में। आखिर भगवान भोलेनाथ का नाम गैवीनाथ क्यों पड़ा, आज हम ये भी आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे चूल्हे से भगवान शिव का उदय हुआ। चलिए अब हम चलते हैं उस मंदिर की ओर और वहीं के पुजारियों से बातचीत कर समझते हैं कि आखिर गैवीनाथ का क्या रहस्य है, क्या इतिहास है जिसके कारण भगवान भोलेनाथ को गैवीनाथ के नाम से जाना जाता है। चलिए आप हमारे साथ। सकते हैं भगवान भोलेनाथ का वो रूप जो महाकालेश्वर में भगवान भोलेनाथ हैं। पहली बार गैवीनाथ मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो शोभा यात्रा महाकालेश्वर उज्जैन में निकाली जाती है। उसी परंपरा का पालन करते हुए अब यहाँ के स्थानीय नवयुवकों ने और गैवीनाथ मंदिर समिति ने ये निर्णय लिया कि अब उज्जैन की तरह हम गैवीनाथ में भी भगवान भोलेनाथ की शोभा यात्रा निकालेंगे। हमारे साथ पंडित जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, क्या ये पहली बार शोभा यात्रा निकल रही है? पहली बार शोभा यात्रा निकल रही है और उज्जैन महाकालेश्वर के स्वरूप ही हमारे गैवीनाथ भगवान हैं। महाराज बीर सिंह की तपस्या से बीर देवपुर में आए, उन्हीं के नाम से बीर सिंहपुर नाम पड़ा और भगवान गैवीनाथ के नाम से यहाँ कहाए और उज्जैन महाकालेश्वर के स्वरूप ही हैं। पातालखंड में और पद्म पुराण में वर्णन है उनका। ये भगवान महाकालेश्वर जी का स्वरूप है, वो उसी का आप लोग स्वरूप का? हाँ, उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं का पूजन करते हैं और उन्हीं की तरह है भगवान गैवीनाथ महाकालेश्वर पूर्ण कृपा प्राप्त करते हैं भक्तों को और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साक्षात दर्शन होते हैं। इसके पहले कभी शोभा यात्रा नहीं निकाली? शोभा यात्रा नहीं निकली, लेकिन पहले से 200-300 वर्ष पहले से ही हम ये जो है जिस दिन शिवरात्रि होती थी उस दिन बारात भगवान की निकलती थी और माता पार्वती के मंदिर में जाके शिव पार्वती जी का विवाह होता था। ये प्रक्रियाएं पहले भी चलती थी। ये आप देख सकते हैं, ये कृत्रिम भगवान शिव का वो स्वरूप है। ये इसका निर्माण किससे हुआ है, लकड़ी से कराया गया है क्या, क्यों भैया कोई जानकार है? ये मृतिका से निर्माण हुआ है। जैसे टांकी लगी है हमारे भगवान गैवीनाथ में, उसी तरह पूर्ण स्वरूप गैवीनाथ का बनाया गया है कि पूर्ण स्वरूप करके और क्षेत्र में नगर में चलें और आशीर्वाद दें, ऐसा हम लोगों ने आग्रह किया है भगवान से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप सबको हम पहली बार दिखा रहे हैं भगवान शिव की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और भगवान गैवीनाथ जी का जो स्वरूप है उसकी एक आकृति बना दी गई है। पहुंच चुके हैं भगवान गैवीनाथ जी के पास, आप देख सकते हैं हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये हैं भगवान गैवीनाथ, भोलेनाथ जी का वो रूप जो विश्व में आपको कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा। ये हम आपको दिखा सकते हैं, भगवान भोलेनाथ के ऊपर तीन टांकियां लगी हुई हैं। एक टांकी ये है, ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब द्वारा यहाँ उनके ऊपर टांकियाँ लगवाई गई थी, भगवान शिव को खंडित करने की कोशिश की गई थी। दूसरी टांकी इधर और तीसरी टांकी बीच में, आप देख सकते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर हम आपको भगवान भोलेनाथ का वो रूप दिखा रहे हैं जो बिरसिंहपुर में गैवीनाथ के रूप में यहाँ स्थापित हैं। आपको हम भगवान भोलेनाथ की वो टांकियाँ भी दिखा रहे हैं, किस तरह औरंगजेब ने इन्हें खंडित करने की कोशिश की, लेकिन जब भगवान शिव आक्रोशित हुए तो उसे यहाँ से भागना पड़ा। ज़्यादा जानकारी के लिए हम यहाँ के पुजारियों से भी बात करेंगे।
क्या नाम है पंडित जी आपका? जय जय महाराज। जय जय महाराज। आप बताइए कि ये जो टांकियां लगी हैं वो क्यों लगी हैं भगवान शिव ने? इसमें औरंगजेब जब आयो तीन टांकी लगवायो, कोप कियो शंभु भारी, तो सेना भागन लागी सारी है। प्रथम टांकी जब लागी तो जल गंगा बहन लागी, दूजी टांकी के लगन बही क्षीर धार भारी है। तीज रेख खंड बाँटे तो बही रक्त धार भारी, और निकली भमर ताते न्यारी, तो सेना भागन लागी सारी है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए गैवीनाथ धाम की जय। शीश गंगा सोहे न्यारी, भाल चंद्रमा है प्यारी, ओ बामे अंग में विराजी गिरिराज सुकुमारी है। गले सर्पों की माला कर डमरू विशाला, वस्त्र धारे मृग छाला, नित रहे मतवाला है। बोलिए गैवीनाथ भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती। आपने आपने देखा कि पंडित जी ने कैसे अपने मंत्रोच्चारण के माध्यम से आपको बताया कि किस तरह औरंगजेब ने भगवान शिव के ऊपर आक्रमण किया था और भगवान शिव के प्रकोप के कारण उसे किस तरह भागना पड़ा। पंडित जी आप थोड़ा और विस्तार से बताइए भगवान शिव की महिमा के बारे में कि आखिर गैवीनाथ नाम क्यों पड़ा भगवान भोलेनाथ का, बताइए पंडित जी आप थोड़ा। पंडित जी आप बताइए। गैवीनाथ ये स्वयंभू हैं, राजा के जमाने में पहले राजा जो है उज्जैन महाकालेश्वर घोड़ा से पूजा करने जाते थे, पढ़ने जाते थे। जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो राजन से यही मांगा कि राजन वरदान मांग लो जो भी मांगना, तो उनने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, मुझको कोई चीज़ की कमी नहीं है, मेरे ही नगरी में आप चलिए। भगवान भोलेनाथ फिर यहाँ प्रकट हुए। किसके घर प्रकटे थे भगवान? ये गैवीनाथ जो है यादव के चूल्हे से निकले थे। चूल्हे से निकले थे। और क्या है कहानी इनके बारे में कहती है कि जो चूल्हे से निकले थे और एक महिला है मूसल से उनको ठोक देती थी, उसके बारे में आप बताएं। उसमें क्या था कि जब ये पर्डे ऊपर आ जाते थे तो रोज वो जो है लोढ़े से इनको कूट देती थी, तो भगवान भोलेनाथ राजन को शपन दिया कि मैं तुम्हारे नगरी में आ चुका हूँ, फलह जगह हूँ, आप वहाँ जा करके वहाँ मकान खाली करवाइए। फिर मकान उन लोगों ने खाली करवाया, फिर भगवान भोलेनाथ की स्थापना हुई। ये जो है पद्म पुराण पातालखंड में देवपुर के नाम से जाने जाते हैं। लोगों की आस्था है, लोग कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ तिल तिल कर बढ़ रहे हैं, तो इसकी क्या सच्चाई है? क्योंकि आप लोग वर्षों से भगवान की सेवा में लगे हैं, कभी मोटे हो जाते कभी पतले हो जाते हैं, मतलब मूर्ति बराबर नहीं रहती। आप लोग किसी भी तरह का प्रमाण देखे हों, क्योंकि आप लोग इनका श्रृंगार भी करते हैं, इन्हें टोपा भी पहनाते हैं, तो क्या उसका आकार बदलता रहता है? टोपा जो है इनका जो बनवाया जाता है कभी नाप कर नहीं बनवाया जाता, नाप के बनवा दिया जाए तो नहीं फिट होता, वैसे बनवा दिया जाए तो बराबर इनको हो जाएगा। टोपा के बाद फिर श्रृंगार होता है, दिव्य लगता है भगवान का। अच्छा, महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे बहुत भव्य मेला लगता है, इसके अलावा भी क्या यहाँ मेला लगता है? हाँ, यहाँ पूर्णमासी है, तेरस है, सोमवार है, बसंत है, यहाँ ये मेले के दिन है। और महाशिवरात्रि के दिन क्या खास होता है? यहाँ भोलेनाथ की शादी होती है, शंकर भगवान शिव पार्वती जी का विवाह होता है, यहाँ रथ द्वारा जो है भगवान का नगर में भ्रमण किया जाता है, और फिर वहाँ पार्वती जी पार्वती मंदिर में जाकर विवाह होता है, पैपरी विधिवत भगवान भोलेनाथ जी की और माँ पार्वती के संग, तो दिव्य एक दृश्य दिखाई देता है। अब भगवान भोलेनाथ की शादी है पार्वती संग, है ना, तो बड़ा आनंद आ रहा है। और हमारी गैवीनाथ क्या जैसे भगवान गैवीनाथ जी हैं, तीन जगह से इनके टांकी लगाई गई है,
क्या और कहीं दूसरी जगह इस तरह के शिवलिंग है? ऐसे लोग चारों धाम से आए, चारों धाम का जल तीर्थ से आते हैं लोग, सो यही चढ़ता है पूरा। लोगों ने बताया कि ऐसी मूर्ति हमने कहीं पूरे विश्व में नहीं देखा। ये भगवान भोलेनाथ का वो रूप है जो विश्व में कहीं दूसरी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। तीन जगह से भगवान भोलेनाथ के ऊपर टाकी लगाई हुई है। आपको हम महाशिवरात्रि के अवसर पर सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं बिरसिंहपुर गविनाथ मंदिर से। आप देख सकते हैं भगवान शिव की किस तरह पूजा कर रही हैं महिलाएं। यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं, सबकी बड़ी आस्था है। आप भी देख सकते हैं भगवान शिव का वो रूप जो शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। किस तरह भगवान शिव की सेवा करती हैं यहाँ महिलाएं, पुरुष, बच्चे, हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। एक शिव की जो सुख शांति मुक्ति बांटे हैं, ऐसे भुक्ति मुक्ति दाता गैबीनाथ ये हमारे हैं। जगत बिगाड़ो सुयम की कहाँ चले, और शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। बोलिए हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। शुक्रिया पंडित जी। आप देख सकते हैं भगवान शिव का वो रूप जो गैवीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। चूँकि गैवी यादव के परिवार में, उनके घर में चूल्हे से भगवान शिव प्रकटे थे, ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर सीधे बिरसिंहपुर से गैवीनाथ भगवान की तस्वीर। भैया लोग आते हैं जैसे देखने के लिए मंदिर में भोलेनाथ का दंड जो विराजमान है शिवलिंग, तो इसको जियोग्राफिकल मशीन से जब देखा गया तो पातालखंड तक इनका वर्णन जैसे पुस्तक में है उस तरह ही दंड दिखाई पड़ता है। हम लोगों ने देखा है यहाँ पंडा पुजारियों ने मशीन से जो देखा ज्योग्राफिकल मशीन से, तो भोलेनाथ का दंड ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे ये जल के अंदर झूल रहा हो। और प्राचीन बातों में जो इसका निर्माण है मंदिर का, इसको भी देखा गया तो बहुत सा एक भोलेनाथ का एक सर्प भी मंदिर में रहता है, वो अंदर ही दराज में घुसा रहता है। उसको मशीन द्वारा देखा गया तो एक आध बार जब पट बंद हो जाते हैं तो दिखाई पड़ता है। और इच्छित बार अगर भोलेनाथ को कोई क्रम से एक मास स्नान कराता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। मेरा नाम सत्यनारायण तिवारी है, मैं पास के गांव का रहने वाला हूं। सुजावल खुर्द मेरे गांव का नाम है, यहां 2 किलोमीटर पे है गांव। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। और यदि आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हों तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।